मुनव्वर फारूकी ने मीडिया वालों की बहुत जमके तारीफ की है और मनारा के सामने ये बात बोल रही हैं, और अंकिता लोखंडे भी इन सब चीजों को सुनने के बाद जो है ये बोलने लग जाती है कि हाँ मैं भी इनको 15 साल से जानती हूँ। सही बात है, अंकिता लोखंडे बहुत बड़ा नाम है और अंकिता ने बहुत सारे जो मीडिया है उनको इंटरव्यूज दी है, उनके साथ बैठी हैं, काफ़ी सारी मुंबई में रहती हैं, जब बाहर निकलती हैं तब पैपराजी जो है उनको उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। पर मुनव्वर यहाँ पर बहुत सारी बातें मीडिया के लिए बोल रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मीडिया को, पर एटलीस्ट मीडिया को भी बायस्ड नहीं होना चाहिए था। और जो बात मुनव्वर फारूकी अब बोल रहे हैं कि वो क्या कम लगे होंगे हमारे पीछे 4 महीने से, वो भी तो भाई दिल जान एक कर चुके होंगे हमें सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पर मुनव्वर बात कर रहे थे यूट्यूबर्स की, यानी कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स की, कि हाँ भाई हम क्या चाहते हैं। पर जो मीडिया की उन्होंने बात की है वो कुछ अलग सी मुझे खटपिटी सी लगी, क्योंकि उन्होंने जो है मुनव्वर को काफी खरे खोटे सवाल पूछे पर काफी ज्यादा क्लीन चिट देने की कोशिश की है अंकिता लोखंडे को। तो अंकिता का कहना यह है कि भाई मुनव्वर का कहना यह है कि ये जो मीडिया होती है ना, ये हमें बनाती भी है और हमें खत्म भी कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और वहीं पर जो है अंकिता भी ये बात बोलती है, हाँ मीडिया के साथ हम्बल होना चाहिए। मुनव्वर का कहना ये है कि हम्बल नहीं, आप कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसका आप आंसर दो, चाहे किसी आपके अंदर जो भी है उसका आंसर दो, बस तरीका आपका सही होना चाहिए, अपने तरीके को सही रखना चाहिए, जो कि बहुत ही सही बात जो है मुनव्वर फारूकी ने बोली। और ये चीज़ें जो है मनारा को समझा रही हैं और मनारा को बता रही हैं कि भाई इन लोगों को मैं सबको जानता हूं, जब से मैं लॉकअप से निकला हूं ना 2 साल हो गए हैं, मेरे इंट्रैक्शन जो है इन लोगों के साथ होती रहती है, काफी ज्यादा ये लोगों को मैं जानता हूं और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इन, ये लोग कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। इन लोगों को जल्द से जल्द हमारे फैंस जो क्वेश्चन पूछते हैं उन तक वो बात पहुंचानी होती है। अब ये क्या लोग कम मेहनत कर रहे होंगे, हम 4 महीने से अंदर है, ये भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे, ये हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनको भी उसी चीज से कमाई होती है और इनको वो ही सब चीजें चाहिए होता, हमारा अच्छा बोलते हैं। तो ये बात जो है मुनव्वर फारूकी बोल रही हैं। पर घर के अंदर जो मीडिया आई थी वो बड़े बड़े चैनल्स की थी, हालांकि फीफा फूज और फिल्म विंडो जो है उस वहां पर आई थी, 2 यूट्यूबर्स जो है वहां पर थी, मैं उनको ही जानती हूं। पर अगर देखा जाए तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े चैनल्स से थे, तो वो एक मीडिया जो कि बड़े बड़े लोगों को एंटरटेनमेंट से थे, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी बातचीत करते हैं। पर अगर देखा जाए तो बिग बॉस, लॉकअप ऐसे रियलिटी शो को अगर ज्यादा हवा मिलती है, अगर ज्यादा चर्चा होती है तो यूट्यूबर्स ही करते हैं। तो इस तारीफ के असली हकदार यूट्यूबर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने दिल जान एक कर दी और सब सही वाले बिना बायस्ड होके जो है ये चीजें की। आखिरकार मैंने तो भाई बिना बायस्ड होते हुए जो है न्यूट्रल रहते हुए इसको रिव्यू किया और आप लोगों के सामने गॉसिप लेके आई। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।